क्या नाम बताओ बाबू? कहाँ सब झारखंड का है? दोनों दोनों सभी सीकेपी का है, सब हाँ उसी का है। हेलो वो फाइन लग के टिकट बनेगा। बता दो तुम लोग कहाँ जा रहे थे, यही बता दो। हम जाकर जिला में मेरा कहाँ से आ रहे हैं? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, पुंचा से, गांव पुंचा है। कहाँ ले जा रहे हैं? विजयवाड़ा लेके जा रहे थे काम पे। झिंगा कंपनी है विजयवाड़ा में, पामर रोड पे है और थोड़ा आगे जाकर कानमा रोड जो बस स्टॉप है उससे 2 मिनट का रास्ता है। कंपनी का नाम है ब्लूफॉर्ट ब्लू पार्क सी फूड्स, झिंगा कंपनी। वहाँ पर काम होता है लोडिंग का, लड़का लोग का काम है लोडिंग का, लड़की लोग का काम है पैकिंग का। एक्सपोर्ट्स कंपनी है, बाहर पार्सल करते हैं। यहाँ कैसे आप लोग रोका गया? यहाँ सर हम लोग जा रहे थे, यहाँ से हम लोग चकदरपुर से, वो लोग झारखंड का है लड़की लोग, हम बंगाल का है। तो हम लोग बोल रहे थे कि उधर चढ़ेंगे सीकेपी में, तो सीकेपी में ट्रेन हम लोग का मिस्टेक हो गया, देर हो गया हम लोग को, ट्रेन मिस्टेक हो गया। तो हम लोग को जाना है, पैसा लगा हुआ है, टिकट का पैसा किया हुआ है। तो इधर आके CLLP पकड़ा था। LLP पकड़ने से पहले CRPF मेरे को पकड़ा। कहाँ पकड़ने के लिए आए थे? हाँ यहाँ पे बोकारो में RP पकड़ा मेरे को। तो बोल रहा कहाँ जा रहा हूँ, मैं सब कुछ डिटेल्स दिया, अपना आधार कार्ड दिया, सब कुछ दिया, जो डॉक्यूमेंट्स है सब दिया। लड़की लोग का भी डॉक्यूमेंट, लड़की लोग का ऑल परमिट है, मतलब फैमिली परमिट हो गया सबका। फैमिली से बात तक नहीं करने दे रहे RP वाला, जो फैमिली के बात करके बुलाए इधर, वो भी नहीं करने दे रहे फैमिली वाला। नाबालिग कितने? नाबालिग वो सर 3 नाबालिग हैं, मतलब उन लोग का मैं आधार कार्ड चेक नहीं किया था जाने से पहले। और कंपनी मेरे को बोला था कि 18 ईयर से नीचे नहीं लाने का। आशा कहाँ से आ रही है? सीकेपी चकदरपुर से। कहाँ जा रही है? काम करने ले जाएंगे बोल के लेके आए हैं हम लोग को। कहाँ काम करना? विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा ले जाने के लिए क्या काम बोला कर आएगा? मांसाहारी बोलता है। मांसाहारी बोलता है। मांसाहारी क्या पता नहीं, वो नहीं जानते, पर भैया ऐसा बोलते थे। पहली बार जा रही हो? हाँ पहली बार जा रहे हैं। तो तुम लोग को घर वाला को जानकारी है? घर वालों को तो बोले कि हम लोग काम करने जाएंगे, तो भैया बोले कि आप ले जाएंगे। ये भैया कहाँ रहते हैं जो ले जा रहे हैं तुम लोग को? पुरुलिया के हैं। कैसे जानती हो? काम करने पहले गए हुए हैं 4 जन। अच्छा। दीदी लोग, तो उन लोगों के यहाँ से हम लोग को कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया था। अच्छा। फिर हम लोग इनके कॉन्टेक्ट नंबर लेकर हम लोग बोले कि हम ऑन ड्यूटी RPF थे, ठीक है, और GRP हैं। उन लोग इतने समूह में लड़कियों को, बहुत सारी लड़की देख के भी लगा कि नाबालिग हैं और संदेह हुआ कि ये लोग किसी गलत हाथ में तो नहीं पड़ी। ऐसी लोगों से जब पूछा गया तो लोग सही रीति से नहीं बता पाई कि कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। इवन जिस लड़का के साथ वो जा रहा है उसका नाम भी नहीं बता पाया। इसी संदेह में हमारे जो RPF और GRP स्टाफ हैं, इन लोगों को यहाँ पर रोक के छानबीन करने की कोशिश की गई। फिर आप लोग को खबर किया गया, लोकल पुलिस को खबर किया गया, CWC को खबर किया गया, हर एक जगह को खबर कर दिया गया कि आने वाले दिनों में ये बच्चियाँ किसी असुविधा में न पड़े। क्या पता चला? अभी तक तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये जो लोग जा रहे हैं इनमें से ज़्यादा तो लोग बालिग हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या काम करना, कुछ भी जायज़ नहीं लगा, इसलिए कुछ हम लोग को गड़बड़ी महसूस हो रही है। आगे जो साहब लोग जांच करेंगे, आरपीएफ जीआरपी लोग, वो लोग सही रीति से बताने पास में, ठीक है।